बात अनुपमा झा, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। धरना प्रदर्शन के साथ जुबानी हमले भी किए गए। आगामी 4 जुलाई तक लगातार जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता बढ़ते मूल्यों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। झारखंड में आज का दिन पेट्रोलियम पर पॉलिटिक्स के नाम रहा। डीजल और पेट्रोल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने झारखंड में भी मोर्चा खोला हुआ है। बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में भला झारखंड कांग्रेस कैसे चुप रहती। यहां तो कार्यकर्ताओं में नई बनी सरकार का जोश है। राजभवन के सामने धरना देकर कांग्रेस ने विरोध जताया। सूबे के वित्त मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में धरना दिया गया। 2 घंटे तक चले इस प्रदर्शन में हालांकि बारिश ने खलल भी डाला, लेकिन कांग्रेसी मोर्चे पर डटे रहे। पेट्रोल डीजल का दाम कितना बढ़ गया, 64 में 2014 में 63-64 रुपए हुआ करता था पेट्रोल का, डीजल का तो कम हुआ करता था, पेट्रोल का 63-64 रुपए ये था, आज 80 पार हो गया। क्यों आंख बंद किए हुए हैं आप, क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं देश पर? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम में मूल्य में कमी जल्दी से जल्दी लाइए। आम जनता के लिए देश के आंतरिक संसाधन महंगे हो गए हैं, बाहर भी दिक्कत अंदर भी दिक्कत, चार सभी मोर्चों पर मोदी सरकार जो है विफल हो गई है और आज जनता त्राहिमाम कर रही है। कांग्रेस ने तल्ख तेवर दिखाया तो बीजेपी ने भी तेवर कड़ा कर लिया है। प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि फिलहाल चीन के साथ विवाद चल रहा है और कांग्रेस के लोग चाइना के साथ खड़े हैं। सीपी सिंह ने कहा कि शस्त्र बल और सैन्य बल के क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में देश को पैसे की दरकार है। देशवासी इस बात को समझते हैं, इसलिए जनता पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं देखती। पैसे की जरूरत देश को है और देश इस बात को समझता है कि भाई हम अपने देश की आन बान शान के लिए सर्वस्व निछावर करना पड़ेगा तो करेंगे, और पेट्रोल और डीजल की कीमत अभी नहीं देखेंगे बल्कि ये देखेंगे कि हमारा देश कैसे गर्व से मस्तक ऊंचा उठा सके और चीन जैसे दुश्मन को कैसे परास्त कर सके। कांग्रेस ने आज से चरणबद्ध तरीके से विरोध कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। इसके बाद 30 जून से लेकर 4 जुलाई तक लगातार जिला मुख्यालयों में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। सत्ता पक्ष ने अपनी सुविधा से मोर्चा संभाल लिया है तो विरोधी पार्टी बीजेपी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। लेकिन इन सबके बीच जनता को किसी भी तरह की राहत मिलती नहीं दिख रही है। सौरभ के साथ कामरान, जी मीडिया, रांची।